ताहा की आयत नंबर 6 तक कल का दस हमारा हुआ था, आज आयत नंबर 6 से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज फिर 10 होगा, इसमें आयत नंबर 6, 7, 8 और 9 ये आयात जो हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन आयात में हमारे लिए क्या तस्करा मौजूद है। तलावत कर रहा हूँ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तलावत करने का मकसद जो होता है वो आप लोगों को लिहाज ये भी होता है कि तजवीद भी आप लोग सुन लें आयात की, और तजवीद को सुनते हुए मश्क कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم। कल के दर्स के अंदर जो है वो जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसकी मैं दोहराई कर देता हूँ ताकि जो नए सुनने वाले शुरुआत हैं उनको थोड़ा सा पस मंजर जहन में आ जाए और उससे आपको सबाक हो। अल्लाह जल्ला शानहु ने सूरह ताहा के आगाज के अंदर नबी करम अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमाया कि मानजल्ला अलैकुल कुरान तशका, या हबीब अलैहिस्सलाम तस्लीमात, हमने इस कुरान को आपके ऊपर इसलिए नाजिल नहीं किया तशका कि आप गम में मुबतला हो जाए और आप अलैहिस्सलाम को हमने इस कुरान को इसलिए नाजिल नहीं फरमाया ताकि आप शक्कत में और गम में मुबतला हो जाए, बल्कि फरमाया कि इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। और उसकी वजह ये थी कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम तस्लीमात को वो गायत गम जो कि उम्मत की हिदायत का था कि मेरी उम्मत जो है वो हिदायत के ऊपर आ जाए, उस गम के हवाले से ये इरशाद फरमाया कि हमने इसलिए नाजिल नहीं फरमाया इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। और इसको हमने कुरान को नाजिल फरमाया नसीहत के लिए, तज़किरा के लिए, ये नहीं इरशाद फरमाया तालीम के लिए, क्योंकि महज इल्म और नसीहत दोनों में फर्क है। और फरमाया कि तंजीला मिम्मन खलकल अर्द व समावात अल-उला, ये कुरान उस हस्ती का नाजिल करता है कि जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा फरमाया और जिसकी बादशाहत आसमानों पर भी है अर्श पर भी है। और फिर इरशाद फरमाया कि रहमान अल-अर्श इस्तवा, कि रहमान वो जात है कि जो अर्श पे जलवा फरोज हुई। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा मा तहत थरा, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ इस गीली मिट्टी के नीचे है, सब का सब अल्लाह के लिए है। ये कल का दर्स था। आज का दर्स है, इसके अंदर थोड़ा सा अल्फाज को देखिए, पहले उन अल्फाज को जो उर्दू में मुस्तमल है, وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى। जहर, जहरी ऊंची आवाज में बोलने को कहते हैं। इस जहरी नमाज और सिर्री नमाज, जहरी नमाजें वो नमाजें कहलाती हैं कि जिनमें तलावत जो है वो बावाज़े बुलंद की जाती है। तो इन तजहर बिलकौल, अगर आप आवाज को बुलंद फरमाते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى। सिर किसे कहते हैं? पोशीदा। और अख्फा जो उससे भी ज्यादा पोशीदा है। अब सिर में और अख्फा में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा तफसील में आज दर्ज करता है। सिर में और अख्फा में क्या फर्क है, और अल्लाह शान ने जिस सिर को भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह पोशीदा बात को भी जानता है, मख्फी बात को भी जानता है, तो सिर और अख्फा दो लफाज को जिक्र करने की क्या जरूरत थी। ये बात जहन में रखें, कुरान करीम का हर हर लफ्ज जो है वो एक मोती है, एक हीरा है, और हर हर लफ्ज के अंदर एक वो मानी है जो कि दूसरे लफ्ज के अंदर नहीं है। तो अर रहमान वर्श इस्तवा लहुमा वहीं तक आगे शाह फरमाया कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना, कि अल्लाह जात है कि इसके अलावा कोई माबूद नहीं, लहुल अस्माउल हुस्ना, और उसी के लिए है अच्छे अच्छे नाम। अल्लाह तआला शानहु ने यहाँ पे जो अपने नामों का तस्करा इरशाद फरमाया, और उसके बाद इरशाद फरमाया कि हल अताक हदीस मूसा। हदीस कहते हैं बात को, और हदीस का लफ्ज जो है हमारे
लुगत के अंदर नबी करम अलैहि सलात तस्लीम आपके अक़वाल मुबारक, अफ़आल मुबारक, अहवाल मुबारक, सिफात मुबारक, उसके लिए हदीस का लफ्ज़ बोला जाता है। वैसे लुगवी माना जो हदीस का है वो बात है, और उर्फ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हदीस कुरान और हदीस का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो हदीस से मुराद नबी करम अलैहि सलात तस्लीम आपके अक़वाल मुबारक, आप अलैहि सलात तस्लीम आपके अहवाल मुबारक, और आप अलैह सलात तस्लीमात की सिफात मुबारक, और जिन उमूर पे आप अलैह सलात तस्लीमात का खामोशी इख्तियार फरमाई तो भी हदीस मुबारक का एक हिस्सा होते हैं। तो रूही माने यहाँ पे हदीस से बात है, वलता का हदीस मूसा कि क्या आपको मूसा अलैह सलाम की बात पहुंची। अब यहाँ पे तर्जमा है और तर्जमे के हवाले से हम थोड़ा सा तफसील पे आते हैं। जैसा कि साजिद ने अर्ज किया था कि हमारी तरतीब ये होगी कि पहले तर्जमा, फिर तफसीर, मुख्तसर तफसीर, और मुख्तसर तफसीर के बाद इस तफसीर से निकलने वाले नुकात, और इन नुकात की रोशनी में हम देखेंगे कि इन आयात ने हमारे लिए क्या तज़किरा, हमारा क्या तज़किरा मौजूद है इन आयात में। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अल्लाह जल्ला शानहु ने पीछे अपनी कुदरत को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया आखे लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्द मा बैनहुमा मा तहत सरा। आगे देखिए कि आयत नंबर 4, आयत नंबर 5, आयत नंबर 6, ये सब के सब किस चीज की कुदरत को बता रहे हैं? अल्लाह की बादशाहत को। अल्लाह की बादशाहत जो है वो कामिल है, हर लिहाज से कामिल है। इरशाद फरमाया कि ये कुरान उस अजीम बादशाह, उस अजीम हस्ती का नाज़िल करता है, खलकल अर्द व समावात उड़ा, कि जिसकी बादशाहत आसमानों पे भी कायम है, जमीनों पे भी कायम है, और अर्श के चौके तमाम कायनात को घेरे हुआ है, तो उसकी बादशाहत उस पे भी कायम है, गोया कि वो मिल्कियत तामा, बादशाहत तामा अल्लाह के लिए हासिल है, कुदरत तामा अल्लाह के लिए हासिल है। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान फरमाया इन आयात के अंदर। وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اللہ جل شانہ نے اپنی بادشاہت تامہ کو ذکر کرنے کے بعد اپنے تام، تام کہتے ہیں مکمل کو، اپنے مکمل، اپنے علم کے کامل ہونے کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، کہ اگر آپ اس قرآن کو جہرن بیان کریں یا اونچی آواز سے بات کریں، बावाज़ बुलंद बात करें, तो इरशाद फरमाया कि फ़इन्नहु यालमु सिर, कि अल्लाह तो जानता है छुपी हुई बात को भी, और अख्फा, अब सिर में और अख्फा में क्या फर्क है? इसके हवाले से दो कौल हैं। पहला कौल तो यह है कि सिर कहते हैं उस बात को जो इंसान दो बंदों के दरमियान में सरगोशी होती है, वो सिर है, और वमा अख्फा से मुराद वो बातें हैं जो इंसान अपने दिल में सोचता है। अल्लाह जल्ला शानहू उन बातों को भी जानने वाला है जो एक इंसान दूसरे से सरगोशी करता है, और उन उमूर को भी जानने वाला है जो इंसान के दिल में है, जो इंसान के दिल में है और इंसान ने किसी को जाहिर नहीं किया। और जो राज़े कौल जो सबसे अहाता कर देता है सारे उमूर को और अल्लाह के इल्म के कामिल होने को बयान फरमाता है कि सिर के अंदर हर किस्म की पोशीदा बात शामिल है, चाहे वो किसी से सरगोशी की जाए और चाहे वो दिल में आने वाला ख्याल ही क्यों ना, वो भी सिर में शामिल है। और अख्फा में क्या शामिल है? अख्फा में वो ख्यालात, वो बातें, वो उमूर शामिल है कि जो इंसान ने भी सोचे नहीं है। इंसान आगे चलकर उन उमूर को सोचेगा, मुस्तकबिल में सोचेगा, तो अल्लाह के इल्म में तो है कि इंसान ने आगे कल जाकर क्या सोचना है, परसों क्या सोचना है, महीने बाद क्या सोचना है, उसके दिल में एक साल के बाद इंसान के दिल के अंदर क्या, किस वक्त क्या घड़ी, एक साल के बाद फला महीने के अंदर फला दिन में फला वक्त में इंसान के अंदर क्या ख्यालात गुजर रहे होंगे, क्या वसाविस इंसान के दिल पे गुजर रहे होंगे, अल्लाह जल्ला शानहु इल्म कामिल में है। तो अल्लाह जल्ला शानहु ने पिछली आयात मुबारका के अंदर अपनी कामिल कुदरत को बयान फरमाया, और इस आयत मुबारका में अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने इल्म के कामिल होने को बयान फरमाया। और जब इन दो बातों को बयान फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है कि इसकी कुदरत भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल है, फिर साथ ही इरशाद फरमाया
अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू कि जब उस हस्ती की कुदरत भी कामिल, उसका इल्म भी कामिल, तो ए बंदो कहीं ये ना समझ लेना कि सिर्फ अल्लाह की यही दो सिफात है। नहीं, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह वो हस्ती है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और लहुल अस्माउल हुस्ना जितनी भी अच्छी सिफात है, जितनी भी अच्छी सिफात है वो अपने हर सिफत अपने कमाल पे अल्लाह ही के लिए है। लहू सिर्फ उसी हस्ती के लिए है, सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। तो सिर्फ अल्लाह के लिए कुदरत कामिला नहीं, यानी अल्लाह के लिए सिर्फ कुदरत कामिला ही नहीं बल्कि अल्लाह के लिए इल्म भी कामिल है, अल्लाह के लिए इरादा भी कामिल है, अल्लाह का इख्तियार भी कामिल है, अल्लाह की बड़ाई भी किबरियाई भी कामिल है। अल्लाह की हर सिफत जो है वो अपने कमाल पे है, अपने औज पे है। अल्लाह जल्ला शानहु उस वक्त राज़िक थे जिस वक्त तमाम कायनात में मखलूक का वजूद ही नहीं था। अल्लाह की सिफत खालिक उस वक्त भी अल्लाह के साथ अजली है, अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं वो अजली हैं, हमेशा से हैं, और अल्लाह की हर सिफत अपने कमाल पे है। तो सुभान अल्लाह का जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह आप हर किस्म के ऐब से बरी हैं, हर किस्म के ऐब से मुनज्जा हैं। और अल्लाह जल्ला शानहु ने इससे जो पिछली सूरत है सूरत आहा से पहले सूरह मरियम, उसके अंदर भी अल्लाह जल्ला शानहु ने इसी आयत से रबत के तौर पे अगर आप देखें तो कुरान करीम की हर आयत जो होती है वो एक रबत के साथ चल रही होती है, एक चेन के साथ चल रही होती है। जैसे अभी आप ये देखें कि अल्लाह ने अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला को और इल्म कामिल को यहाँ पे क्यों बयान फरमाया और फिर एकदम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य क्यों बयान शुरू कर दिया, इन दोनों में आपस में लिंक क्या है कि अल्लाह जल्ला शानहु ने पहले अपनी कुदरत को बयान फरमाया, फिर अल्लाह जल्ला शानहु ने अपने इल्म को बयान फरमाया, इल्म को बयान फरमाने के बाद अल्लाह जल्ला शानहु ने इरशाद फरमाया कि हज़रत क़ादी तो मूसा क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य पहुंचा है, क्या आपने सुना है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को। अल्लाह जल्ला शानहु ने पहले इन आयात के अंदर तज़किरा इरशाद फरमाया है, उसके बाद इसका रबत क्या है, इसमें लिंक क्या है, और ये लिंक जो होता है इसके अंदर हमारे लिए बड़ा अजीब तज़किरा नसीहत होती है। इन कुरान करीम की आयात का जो रबत होता है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह जल्ला शानहु यहाँ पे जो इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह जल्ला शानहु ने यहाँ पे अपनी जात के लिए अस्माउल हुस्ना का तज़किरा इरशाद फरमाया, और सूरह मरियम के अंदर अल्लाह जल्ला शानहु ने इसी तरह से इरशाद फरमाया कि हल तअलमु लहु समिया, क्या क्या कोई कायनात के अंदर ऐसी हस्ती है जो अल्लाह के नाम के साथ मुत्तसिफ हो, क्या तुम जानते हो किसी ऐसी हस्ती को जो अल्लाह के नाम के साथ जिसका नाम अल्लाह हो, क्या तुम किसी ऐसी हस्ती को जानते हो। और फिर अल्लाह जल्ला शानहु ने सूरह कहफ में जो इससे पीछे सूरह कहफ चल रही है उसके आखिर में अल्लाह जल्ला शानहु ने अपने सिफात का अपने हम्द का तज़किरा फरमाया कि अगर सातों ज़मीन आसमान जो है इनके रफ्तों की कलम बना ली जाए और अल्लाह की बड़ाई की बड़ियाई की बातें खत्म नहीं होंगी। और उससे पीछे आप सूरह बनी इसराइल में देखें कि शाह फरमाया कि अय्यम्मा तद्उ फलहुल अस्माउल हुस्ना के कुल दुल्लाह अब्दुर रहमान, आप अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम है। तो आप ये देखिएगा कि एक सीक्वेंस चला आ रहा है अस्माउल हुस्ना के तस्करे का, सूरह बनी इसराइल में हुआ, सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह जल्ला शानहु ने अपनी सिफात के हवाले से बयान फरमाया कि अल्लाह की किबरियाई अल्लाह की बड़ाई को बयान करना शुरू करोगे तो सारे समंदरों को अगर तुम स्याही बना लो अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी, और अल्लामा नफी कलिमात अल्लाह तआला शानहु की कलिमात खत्म नहीं होंगे। और फिर सूरह मरियम के अंदर भी इरशाद फरमाया अल्लाह तआला मुलहु समिया, और फिर यहां भी दोबारा इरशाद फरमाया कि अल्लाह ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना। उसकी वजह क्या है, इन चारों सूरतों का आपस में क्लिक है, इन चारों सूरतों का आपस में क्लिक चल रहा है, सूरह कहफ बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह मरियम और सूरह ताहा। हालांकि नाजिल होने के लिहाज से तरतीब इनकी मुख्तलिफ है, सूरह ताहा के नजूल की तरतीब, सूरह मरियम के नजूल और सूरह कहफ और सूरह बनी इसराइल, इनकी नजूल की तरतीब अलग है लेकिन इनमें एक मैसेज आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह जब यह मूसा अलैहिस्सलाम के वाकई की तरफ आगे आएगा तो उस वक्त ये इशारा करेगा
कि देखिए अल्लाह शानहु सूरह बनी इसराइल के अंदर भी इस चीज की तरफ इशारा फरमाया, अल्लाह शानहु ने सूरह कहफ में भी इस चीज की तरफ इशारा फरमाया, सूरह मरियम में भी इस चीज की तरफ इशारा फरमाया, और सूरह ताहा में अल्लाह शानहु वाज़ह खोल के दोबारा इस चीज को इशारा फरमाया। तो अल्लाह शानहु ने यहां अपनी हस्ती का तआरुफ फरमाया, पहले कुदरत कामला, फिर इल्म कामिल, फिर तमाम सिफात कामिल, लहुल अस्माउल हुस्ना, कि अल्लाह के लिए तमाम की तमाम सिफात हैं। अल्लाह ने अपनी तमाम सिफात का यहां तज़किरा क्यों इरशाद फरमाया? और फिर अल्लाह शानहु ने इसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम के वाकी का तज़किरा क्यों इरशाद फरमाया? क्योंकि ये जो वाकया है हजरत मूसा अलैहि सलाम का, जिसको सूरह ताहा में बयान किया गया है, ये वाकया अपने अंदर इतने ज्यादा नसीहत के रमूज और इतने ज्यादा नसीहत के और इबरत के वाकयात और अपने अंदर इबरत की बातों को लिए हुए है, और इसकी ममासलत जो पिछले वाकयात जो पीछे सूरह कहफ में अल्लाह ने बयान किए, सूरह मरियम में अल्लाह शानहु ने जिन वाकयात को बयान फरमाया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक्य को, ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक्य को, और वहां भी अल्लाह शानहु ने थोड़ा सा तस्करा इरशाद फरमाया, तो इन सब वाक्य के अंदर अल्लाह शानहु एक बात का मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे एक जो तमहीन में अल्लाह शानहु ने इस सूरत के आगाज अपनी कुदरत कामिला को बयान फरमाया, अपने इल्म कामिल को बयान फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहु अपनी इस सिफात कामिल के ऊपर बयान करके इस बात को मैसेज दे रहे हैं कि देखो मेरी कुदरत कामिला का मजहर, मेरे इल्म कामिल का, अल्लाह के इल्म कामिल का मजहर, अल्लाह की सिफात कमाल का मजहर ये वाकया है कि किस तरह से अल्लाह जल्ला शानहु ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को मुश्किलात के अंदर घिरे हुए थे, मुश्किलात के यानी बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी कुदरत कामिला के साथ अपने दुश्मन के घर में पाल के दिखाया, अल्लाह ने अपने इल्म कामिल के साथ अपने सिफात कमाल का अल्लाह जल्ला शानहू ने इस वाक्य में कैसे इजहार फरमाया, और अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम को क्यों ये इरशाद फरमा रहे हैं, मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इन कुरैश की बातों से, इन कुफारे मक्का की बातों से गम ना कीजिए, कि अल्लाह शानहु अपनी कुदरत कामिला और अपने इल्म कामिल का तज़किरा फरमा के इजहार फरमाए कि देखें हमारे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, और किस तरह से अल्लाह ने उनको मुश्किलात में से निकाला, और उनको अल्लाह जल्ला शानहु ने उन सारे मुश्किलात के नक्शों को, उन सारे परेशानियों की तस्वीरों को, उन सूरतों को अल्लाह जल्ला शानहु ने कामयाबी के अंदर बदल दिया, फलाह के अंदर बदल दिया, निजात में बदल दिया, तसव्वुर कोई नहीं कर सकता था। ए हबीब अलैहिस्सलाम आप भी गम ना कीजिए, ए हबीब अलैहिस्सलाम अब गम ना कीजिए, अल्लाह आपको भी कामयाबी अता फरमाएगा इस कुरान के जरिए से, इस कलाम के जरिए से, इस दीन के जरिए से, जो मुशक्कतें और जो तकालीफ आपको मुशरिकीन मक्का की जानिब से सहनी पड़ रही हैं, और जो बातें और जिस चीज का गम जो कुड़न आपके दिल में है कि ये लोग हिदायत पे आ जाए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी दिल आजारी की जिन्होंने, क्योंकि सूरह ताहा बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में और 44 नंबर्स का बनता है, और जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी उस वक्त मक्की दौर का इब्तदाई जमाना चल रहा था, और तुमने फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस कबूल इस्लाम से पहले ही सूरत नाजिल हुई है, तो अल्लाह शानहू ने मुशरिकीन मक्का की उन अजियतों के जवाब में मुसलमानों को तसल्ली दी कि ऐ मुसलमानों तुम्हारे पास इस वक्त कसम परसी का आलम है, तुम्हारे पास इस वक्त कुछ भी ताकत मौजूद नहीं है बज़ाहिर, लेकिन देखो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने अपने बंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी
उनके पास भी बजाय उस वक्त कुछ भी ताकत ना थी, उनकी वालिदा के पास भी कुछ भी ताकत ना थी, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला का इजहार फरमाया, अपनी सिफात कमाल का इजहार फरमाया, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो अल्लाह ने अपने उन सिफात कमाल का इजहार फरमाते हुए इस वाक्य को जिक्र फरमाया। इस वाक्य को देखते हैं, जो एक जुमला है हलता का हदीथ मूसा, इस एक जुमले के अंदर इतने सारे रमूज पोशीदा हैं। अल्लाह हु कबीर। हल किसे कहते हैं? हल इस्तेफहाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सवाल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह जल्ला शानहू ने जो सवाल जिक्र फरमाया कि हल अता का हदीथ मूसा, कि क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पता है, तो अल्लाह जल्ला शानहू गोया के इस बात को बतला रहे हैं कि आप जान लीजिए, आप सुन लीजिए, आगाह हो जाइए कि यहाँ सवाल है। तो सवाल, मगर इसको जिक्र इसके सवाल के अंदाज में किया जाता है कि जैसे कि अल्लाह जल्ला शानहू ने, जैसे सुनने वाला है उसको एकदम एक मुतवज्जे होता है, उसको एक शौक पैदा होता है कि अच्छा क्या बात। जैसे हम उर्दू में अपने एक दूसरे से कहते हैं ना, यार तुमने फलां वाक्या सुना है, या तुम्हें फलां की बात पता चली है, वो अगला फौरन मुतवज्जे हो जाता है, अच्छा क्या बात। बिल्कुल अल्लाह जल्ला शानहू ने उसी उसलूब के अंदर इरशाद फरमाया, हल अता का हदीस मूसा, क्या मूसा अलैहिस्सलाम का वाकई बात पता चली है, और क्या मूसा अलैहिस्सलाम की बात और वाकई से आपके इल्म में है। तो कारी जो कुरान को पढ़ने वाला है वो एकदम चौंक जाता है, अच्छा वो क्या वाकई है। अब तो जो जब मबजूर हो गई, फिर अल्लाह शानहू ने उस वाक्य को बयान फरमाया, तो गोया कि यहाँ इस्तेफहाम सवाल तो किया गया, लेकिन सवाल के साथ साथ किसी चीज को बयान करना मकसूद था। अल्लाह शानहू ने इस वाक्य के अंदर अपनी मिल्कियत तामा, अपनी बादशाह तामा, अपनी मुकम्मल कुदरत कामला का इजहार फरमाया। क्यों इरशाद फरमाया और इस वाक्य को अल्लाह ने हमें क्यों बयान किया? हमें इसलिए बयान किया कि ऐ मेरे बंदो, तुम इन मुश्किलात के अंदर जिस वक्त घिरे हुए होगे दीन के लिहाज से, जैसा कि आज उम्मत मुस्लिमा घिरी हुई है, आज वो मुसलमानों के ऊपर बजाहिर मुसलमान कसीर तादाद में है, बहुत कसीर तादाद में है, मगर समुंदर की झाग की तरह है, देखने में कसीर है, वो तो नहीं है, पिटाई हो रही है, हर तरफ से दीन की तबके को दबाया जा रहा है, हर तरफ से दीन के ऊपर और दीन पे चलने वालों के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, दिन ब दिन उनके लिए मुश्किलात का इजाफा किया जा रहा है, कहीं फ्रांस पाबंदी लग रही है नकाब के ऊपर, कहीं हलाल गोश्त के ऊपर पाबंदी लग रही है, कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर पाबंदी लग रही है नकाब के ऊपर, पूरी दुनिया एक जैसे तुल गई है इस्लाम दुश्मनी के ऊपर, और इस्लाम दुश्मनी तो उनके घुट्टी में पहले ही पड़ी हुई थी कुफार के, मगर अब वो जाहिर हो गए अपनी उस अपनी इस्लाम दुश्मनी को लेकर, मुसलमानों के पल पड़े हैं। और वो जो हदीस नक्शा बयान किया गया था कि कुर्बे कियामत में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, कुफार दावत देंगे एक दूसरे को हमला करने के लिए मुसलमानों पे, सहाबा ने पूछे या रसूल अल्लाह क्या हम उस वक्त बहुत कलील होंगे, बहुत कम तादाद में होंगे? फरमाया कि नहीं, तुम तो आज से बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। लेकिन दो बातों को इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत, और दुनिया की मोहब्बत तुम्हें मार डालेगी, तुम्हें दुनिया की मोहब्बत के अंदर और मरने का जो खौफ है ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते में लड़ने से रोक देगा, तुम कसीर तादाद में होगे, लेकिन दुश्मन जो है वो तुम्हें मार रहा होगा, कत्ल कर रहा होगा, तहस नहस कर रहा होगा। अब इस सूरत हाल के अंदर हम इस सूरत आहा से रहनुमाई लेते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू इस वाक्य के साथ, अल्लाह जल्ला शानहू ने उस वक्त तसल्ली दी थी मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में, जो तकलीफें मुसलमानों को पहुंची, सहाबा को पहुंची, आप अलैहिस्सलाम तस्लीमात को तसल्ली दी गई, क्योंकि मुशरिकीन मक्का को पीछे वो यहूदी थे, यहूदी जो थे वो उनको बुगज था कि बनू इसहाक के अंदर क्यों नबी नहीं आए, बनू इस्माइल में क्यों आ गए। उन्होंने अपने इस बुगज का इजहार के लिए मुसलसल मुशरिकीन मक्का को टीस करते थे, मुशरिकीन मक्का को पुष्पनाही कर रहे थे कि वो मुसलमानों को मजीद तंग करें, मुसलमानों को मजीद
जो है अज़ियत दें और खुद भी आगे पेश पेश थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आजकल के जमाने के अंदर यहूद जो है वो उन्होंने ईसाइयों को आगे किया हुआ है और वो सब के सब मुत्तफिक हैं, यहूद हनूद ईसाई सब के सब इस्लाम दुश्मनी के अंदर तुले पड़े हुए हैं कि किस तरह से मुसलमानों का नामो निशान इस दुनिया से मिटाया जाए और मुसलमानों को मुसलमानों के ऊपर जो है वो उनकी जिंदगी को तंग किया जाए। तो ये यहूद और नसारा का ये सारा का सारा गठजोड़ जो आज के जमाने के अंदर फ्री मैसन्स की शक्ल के अंदर पूरी एक आलमी दज्जाली निजाम की राह हमवार कर रहा है, उस दज्जाली निजाम को समझने के लिए ये सूरह ताहा का जो दर्स है ये आपके लिए इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से आई ओपनिंग होगा कि आप आज सूरह दर्स के सूरह ताहा के अंदर आप ये देखेंगे कि उस जमाने के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे सामरी था कि सामरी ने कौम को भारा था, आज जो है वो कुबाला है, आज फ्री मैसन्स हैं, आज जो है वो फ्री मैसन्स जो है वो मुसलमानों के खिलाफ और दज्जाल के आने की राह हमवार करने के लिए किस तरह से प्लान कर रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों के दरमियान इंतशार को लेकर आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम इस वाक्य के अंदर लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जब इस वाक्य पे जहाँ पे उन मकामात पे याजिज आएगा तो उसको याजिज करेगा। अभी थोड़ा सा एक हम इजमाली का देखते हैं कि अल्लाह ने जो मूसा इरशाद फरमाया तो अल्लाह ने क्यों इरशाद फरमाया कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पहुंचा। जैसे मैंने अर्ज किया कि इस किस्से के नाजिल करने से मकसूद अल्लाह का क्या है, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला को जाहिर करना, फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने इस बात को जाहिर करना मकसूद था कि देखो अल्लाह जल्ला शानहू ने किस तरह से वक्त के बादशाह के खिलाफ यानी फिरौन के खिलाफ अपने बंदे मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, अपने हबीब अलैहिस्सलाम की तस्लीमात को तसल्ली देना मकसूद था, ए हबीब अलैहिस्सलाम आप गम ना कीजिए, अल्लाह आपका साथ आपके साथ है, वो अल्लाह कि जिसकी बादशाहत आसमानों में भी है जमीनों में भी है, जिसके लिए सिफात कामिला है, कुदरत कामिला है, उसका इल्म कामिल है, उसको पता है कि आगे क्या होना है। तो अल्लाह जानता है कि इस वक्त की सूरत हाल को भी जिस वक्त वही नाजिल की जा रही थी, और अल्लाह जानता है कि आगे मुसलमानों को क्या फतूहात मिलनी थी, तो यालम सिर्रा वख्फा अल्लाह आगे आने वाली बातों को भी जानता है। और अल्लाह जल्ला शानहू ने जिस वक्त ये तसल्ली दी अपने हबीब अलैहिस्सलाम तस्लीमात को, तो तसल्ली सिर्फ आप अलैहिस्सलाम को नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा को है कि देखो गम न करना, परेशान ना होना, दीन पर चलने की वजह से, कुरान पर चलने की वजह से, दीन को थामने की वजह से अहले दीन को या मुसलमानों को जो इस वक्त तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो अल्लाह ने ये दीन इसलिए नाजिल किया था कि जो अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलात को मुखातिब फरमाया कि मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ऐ हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको गम में और इन लोगों की बुढ़न के लिहाज से इनकी जो मुशक्क़तें आपको सहनी पड़ी हैं, तो ये तो कुरान आपको कामयाब करने के लिए और सआदत देने के लिए आया है और दीन के अंदर सआदतें हैं। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, तो अल्लाह जल्ला शानहु ने इस वाक़िए को बयान फरमाते फरमाया कि हल अता का हदीस मूसा, कि क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पहुंचा, किस तरह से अल्लाह ने उन वक्त के बादशाह के खिलाफ मदद की अपने बंदे की, किस तरह से अल्लाह जल्ला शानहु ने उनको हर उस सूरत हाल में किसने बजाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था निजात की सूरत, आप देखते जाए आगे इंशाल्लाह वाकये के अंदर आएगा कि किस तरह से पैदाइश से लेकर हर मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया देखते जाए हर जगह पे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी बचाओ की। फिरौन ने हुक्म दिया हुआ है बच्चों को ज़िबह करने का, हर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अपने बच्चे की बचाओ की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, मगर अल्लाह ने बचा के दिखाया, इस बात को बताया कि हुक्म अल्लाह का गालिब आता है, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, वो नहीं होता जो बंदे चाहते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इस वाक़े से ये तसल्ली दी कि देखें जिस तरह से अल्लाह जल्ला शानहू मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में एक बादशाहत अता फरमा दी, एक बाद में एक सल्तनत अता फरमा दी, फिरौन के उससे डुबो दिया, उसके बाद अल्लाह जल्ला शानहू ने उनको जमीन के
एक कलाम का फरमा दिया, बिल्कुल इसी तरह से इरशाद फरमाया, बिल्कुल इसी तरह से अपने हबीब अलैहिस्सलाम को भी तसल्ली दी कि अल्लाह आपको भी ये ता फरमाएगा, वो मदीना मुनव्वरा के अंदर मिली। इसी तरह से अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि ऐ हबीब अलैहिस्सलाम इस वक्त आपके मानने वाले कम हैं, मगर एक वक्त आएगा कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त मदीन से चले थे, तन्हा थे, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर अल्लाह शानहु ने उनको एक मुत्तबईन की जमात अता फरमा दी। बिल्कुल इसी तरह से ऐ हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह आपको उससे बहुत बेहतर मुत्तबईन अता फरमाएंगे। और अल्लाह शानहु आप गम न करें, अल्लाह शानहु ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, और इस तसल्ली देने के अंदर साथ साथ उन यहूद बेबहूद को उनको 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 भी आगाह करना था कि देखो तुम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो, जिस मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो वो तो अल्लाह के एक अल्लाह को पुकारने वाले थे, अल्लाह ने उनके साथ ही मदद की, अल्लाह की मदद अब आका अलैहिस्सलाम तस्लीमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ है, और अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम जो खातिमुल अंबिया और मुरसलीन है अल्लाह उनको नाकाम नहीं करेगा, अल्लाह उनको कामयाब करेगा, और वो कामयाबी ता फरमाएगा कि जो ना पहले को मिली ना बाद में किसी को मिलने का सोचा जा सकता था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम खातिमुल अंबिया और मुरसलीन है। तो अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी ता फरमाई। अगर इस वाक्य के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य में और नबी करीम अलैहिस्सलाम के वाक्य मुबारका में और सीरत में थोड़ी सी मुमासलत हम देखें तो हर लिहाज तो नहीं लेकिन कई पहलुओं से ना मुमासलत मिलती है। मसलन देखिएगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो इब्तदाई जमाना है वो एक मुश्किलात का जमाना है। ताइफ का वाकया आगे देखें कि आका अलैहिस्सलाम को ताइफ के कितनी मुशक्कतों का सामना करना पड़ा, कितनी तकालीफ को सामना करना पड़ा, और जिस वक्त शेबे तालिब के अंदर आप देखें कि नबी अकरम अलैहिस्सलात को महसूम होना पड़ा शेबे तालिब के अंदर, तो इब्तदाई जमाना ये मुशक्कतों का जमाना है, और मक्की दौर के अंदर भी जो इब्तदाई जमाना है ये एक बहुत तकालीफ वाला एक कठिन दौर है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर भी अल्लाह ने उस कठिन दौर को बयान फरमाया, अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, ऐ हबीब अलैहिस्सलाम आप परेशान ना होइए, इस कठिन दौर से आप घबराइए मत, ये गुजर जाएगा, उसके बाद खुशहाली का जमाना आएगा, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के पास खुशहाली का जमाना आया। अल्लाह शानहु ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य में रज़ाअत का तज़किरा इरशाद फरमाया कि जिस वक्त दूध लाने का मामला आया किस तरह से अल्लाह शानहु ने उसको तज़किरा फरमाया, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारका को देखें, सीरत मुबारका को देखें तो उसमें भी रज़ाअत का एक मामला नजर आता है कि हजरत आमिना जो है वो तलाश कर रही थी कोई बच्ची कोई खातून जो है वो दूध पिलाने के लिए आ जाए, कोई दाइया हामी नहीं भर रही थी, लेकिन अल्लाह शानहु ने इब्तिदा में जो भी दाइया आती वो सुनती कि अच्छा बच्चा यतीम है तो पीछे हट जाती, और अल्लाह शानहु ने गोया कि एक मरहला गुजरा एक दाइया को तलाश करने के अंदर। बिल्कुल इसी तरह जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी दाइया को तलाश करने के अंदर एक मरहला गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए वही के लिए, सबब बना कोहे तूर सबब बना, लेने तो आ गए थे लेकिन अल्लाह शानहु ने बुलाया पहाड़ के ऊपर। बिल्कुल इस तरह अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को भी गारे हिरा में बुलाया, गारे हिरा के अंदर तन्हाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त कोहे तूर पे गए अकेले गए, बिल्कुल इसी तरह से नबी करीम अलैहिस्सलाम भी गारे हिरा में जाया करते थे, अकेले जाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह शानहु ने मौजा अता फरमाया, असा का मौजा अता फरमाया, और इसी तरह से यद का हाथ का मौजा अता फरमाया। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस वक्त वही की तरफ जो उनको मुखातब किया तो उस वक्त उस दरख्त से आवाज आई, जैसा कि अभी आगे तस्करा आएगा। अब देखिएगा सीरत मुबारका के अंदर कि नबूवत से पहले सीरत की किताबों में तस्करा मौजूद है, सीरत इब्ने हिशाम में और दीगर किताबों के अंदर ये तस्करा मौजूद है
क्या आप अलैहिस्सलाम को इजहार नबुव्वत से पहले जहां जहां आप गुजरा करते थे वहां से दरख्त और पत्थर झुक के सजदा किया करते थे। हत्ता के रवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस पत्थर को इस दरख्त को पहचानता हूँ, इसने नबुव्वत के इजहार से पहले मुझे फलां मकाम पर सजदा किया था। तो नबी करम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के इजहार से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले जहां पर भी आप अलैहिस्सलाम गुजरते थे शजर और हजर सजदा करते थे, और सजदा रेज होने को देख कर वफा में नौफल ने पहचान लिया था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के निर्गे से निकाला, बिल्कुल इस तरह से अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को भी दुश्मनों के निर्गे से निकाला। और हिजरत के मौके पे, हिजरत के वक्त में कि सारे मुश्रिकीन मक्का आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मनसूबाबंदी करके बैठे हुए हैं और पूरा मनसूबाबंदी के तहत मकान को मुहासरा कर लिया हुआ है, घेर लिया हुआ है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम बजरिया वही के उससे पहले ही तशरीफ तशरीफ ले जा चुके हैं और अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा दी और अल्लाह शानो ने उनको अपने हबीब अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के निर्गे से निकाल के महफूज तरीके से मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने इसी दुश्मनों के निर्गे से निकलने को बयान फरमाया। इसी तरह देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का सामना फिरौन से था और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि फिरौन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है। तो अल्लाह के नबी करम अलैहिस्सलाम ने खुद इस उम्मत के फिरौन को अबू जहल से, अबू जहल को इस उम्मत के फिरौन से तशबीह दी और फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन गर्क हो गया था और इस उम्मत का फिरौन जो है वो नबी करम अलैहिस्सलाम के हाथों वासिल जहन्नुम हुआ। फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में उनके सब्र को बयान फरमाया, उनकी आजमाइशों को बयान फरमाया। और हम सीरत मुबारका को देखें तो हदीस मुबारका में आता है कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में सताया जाता है और सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह के रास्ते में और दीन पर चलने में नबी करम अलैहिस्सलाम पर आई। फिर देखिएगा कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर अल्लाह जल्ला शानहू ने सआदत को और शकावत को बयान फरमाया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले के साथ तौहीद पे चले थे वो शहीद हो गए और जो सामरी के या फिरौन के कहने में शिकार हो गए वो बदबख्त हो गए। और अल्लाह जल्ला शानहू ने फिर इसी तरह से आप ये देखिए कि जो जादूगर थे जो कि हलाक करने के लिए आए थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी, वो जादूगर हिदायत पे आ गए और वो उल्टा ईमान वाले बन गए। बिल्कुल इसी तरह से हम नबी करम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के अंदर भी देखते हैं, हमें अनगिनत ऐसे सहाबा का वाक़े मिलता है जो नबी करम अलैहिस्सलाम को बुरी नीयत से, हलाक करने की नीयत से या नुकसान पहुंचाने की नीयत से आए थे। आका अलैहिस्सलाम का हसीन चेहरा देखा, आप अलैहिस्सलाम को चेहरा देख कर या कुरान सुनकर वो मुसलमान हो गए। खुद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का वाक्य देख लीजिए, वो तो नाऊज़ु बिल्लाह नबी करम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के रास्ते से घर से निकले थे मगर अल्लाह ने उनको हिदायत का जरिया बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जादूगर जो थे वो फिरौन के कहने के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हलाक करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे लेकिन अल्लाह ने उनके ऊपर ईमान खोल दिया, वो ईमान वाले बन गए और वही सबसे पहले मददगार बन गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जो प्यारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में से बाज़ वो थे कि जो इसी तरह गलत नीयत से आए थे और फिर सबसे बढ़कर आप अलैहिस्सलाम के मददगार बन गए। हर सात बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि अंसार में से बड़े सरदार थे, उनका कबूल इस्लाम का वाक्य भी देखिए, वो हलाक, वो जो मुसलमान मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको नबी करम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा भेजा हुआ था और वो दीन की दावत दे रहे थे, वो उनका घर गिराने के लिए, उनको वहां से निकालने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे लेकिन आए इस नीयत से थे और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करके इस्लाम में कितने उन्हें दाई बन गए। बिल्कुल इसी तरह से जानसार बन गए। इसी तरह से अल्लाह जल्ला शानू ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाकई के अंदर जिक्र फरमाया,
मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की इसी सूरत के अंदर आता है, रब्बि शराह ली सदरी, कि अल्लाह आप मेरी सीने को खोल दीजिए, मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दीजिए। और अल्लाह ने अपने हबीब अलैहि सलाम को इरशाद फरमाया कि अलम नशरह लक सदरक, ए हबीब अलैहि सलाम तस्लीमात, हमने आपको शरह सदर अता फरमा दिया। इसकी दुआ मूसा अलैहि सलाम ने मांगी थी, अल्लाह ने अपने हबीब अलैहि सलाम को शरह सदर खुद अता फरमा दिया। फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने ये तज़किरा इरशाद सूरह मरियम का इख्तिताम, देखिए कि सूरह मरियम का इख्तिताम अल्लाह जल्ला शानहू ने जिस आयत मुबारका में किया कि कम अहलकना कि आप हम कितनी बस्तियों को हलाक कर चुके हुए हैं इनसे पहले, हल तमिसु मिनहुम अहदन अव तस्मा लहुम रिज़ा, क्या आप उनकी सरगोशी को या आहट को पाते हैं। तो नबी करम अलैहिस्सलाम को जो गम था उम्मत का वो ये था कहीं उम्मत पे आजाब ना आ जाए, हलाक ना हो जाए। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया मान जन्ना अलैकुम कुरान तशका, हबीब अलैहिस्सलाम हमने कुरान आपके इस पे नाज़िल नहीं किया कि आप इतनी शिद्दत गम में मुब्तला हो जाए। अल्लाह जल्ला शानहू मदद फरमाएगा और ऐ हबीब अलैहिस्सलाम आप गम ना कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह जल्ला शानहू आजमाइशों के लिए फतन ना का फतून, फतन ना का फतूना आगे भी आयत में इस वाक्य में आएगा, और वो आजमाइशें मूसा अलैहिस्सलाम की क्या है वो इंशाल्लाह हम सुनेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास जी अल्लाह ताला अन्हु हमारे बयान फरमाए कि देखिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे कैसे आजमाया। और हम उसी सिमिलैरिटी से देखिए कि नबी करम अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर भी आती है। अब एक बात मैं मुतवज्जे करके हम नुकात की तरफ आते हैं कि हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया गया कि तुम जरूर भी जरूर बनी इसराइल के नक्शे कदम पे चलोगे, हत्ता कि अगर उसमें बनी इसराइल में किसी शख्स ने गार पे जाकर पना ली होगी तो इस उम्मत में भी ऐसा ही होगा, और अगर बनी इसराइल में किसी शख्स ने अपनी माँ से जिना किया होगा इस उम्मत में भी ऐसा ही होगा। तो ये उम्मत में मुस्लिमा बनी इसराइल जब नक्शे कदम पे हुबहू चल रही होगी, इसका मतलब फिर क्या है कि अल्लाह ने जो वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल के हवाले से बयान किया इस उम्मत मुस्लिमा को भी आज के जमाने के अंदर उस वाक्य से यकीनन रहनुमाई मिलेगी। अब हम थोड़ा सा नुकात की तरफ देखते हैं कि ये जो इस हदीस ने अर्ज की है कि जो अल्लाह का हदीस मूसा के अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया क्यों पीछे से बयान फरमाया, इसमें हमारे लिए क्या क्या नुकात है। नंबर एक, अल्लाह की कुदरत कामिल है। जब अल्लाह की कुदरत कामिल है तो बंदा इस बात का इस्तेहजार कर ले, अगर बंदे को ये इस्तेहजार हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे जानता है, मेरा अल्लाह मेरे ख्यालात को भी जानता है, इंसान कभी गुनाह ना करे, इंसान कभी गुनाह ना करे। हदीस मुबारका फरमाया गया कि कोई जानी जिना नहीं करता अगर इस हाल में कोई अहम ईमान हो मोमिन हो, और मुहद्दिसीन ने तशरीह की कि ला इल्ज़ान इल्ला मोमिन का मतलब क्या है कि वो उस कैफियत ईमानी में नहीं होता, अगर उस कैफियत ईमानी में हो कि अल्लाह उन्हें देख रहा है वो कभी जिना ना करे, कोई चोर अगर उस कैफियत ईमानी में हो कि अल्लाह उन्हें देख रहा है वो कभी चोरी ना करे। हम जब गुनाह करते हैं हमारे से कैफियत खत्म हो चुकी होती है, हम उस वक्त ये नहीं देख रहे होते अगर ये इस्तेहज़ार हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह माई मेरा अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो कभी वो गुनाह ना करे। हज उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की गलियों में चल फिर रहे हैं और दूध मिलाने वाला वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि बच्ची की आवाज आई कि माँ ने कहा कि दूध मिला दो, और बच्ची ने इनकार किया, और माँ ने कहा कि उमर तो नहीं देख रहे, कहा कि उमर तो खुदा, उमर का खुदा तो देख रहा है। उस बच्ची के दिल में ये इस्तेहजार था अल्लाह देख रहा है, उस इस्तेहजार ने उसको रोक दिया। और ये इस्तेहजार कैसे पैदा होगा, अल्लाह की कुदरत कामिला के इस्तेहजार से, अल्लाह के इल्म कामिल से कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की कुदरत कामिला हासिल है मेरे ऊपर, मेरी जान के ऊपर, मेरे ख्यालात के ऊपर, कि अल्लाह उन ख्यालात को भी जानता है जो मैं भी सोच रहा हूं, और अल्लाह उन ख्यालात को भी जानता है जो आगे मैं कल सोचूंगा। तो मुझे अपने रब से शर्म करनी चाहिए, मुझे अपने रब से हया करनी चाहिए। अपने आप को अगर कोई गुनाह की तरफ ख्याल दिल में डाल रहा है शैतान या नफ्स किसी गुनाह पे उभार रहा है, अपने आप को मुखातब करके ये कहें पूछे कि अगर मेरा अल्लाह मुझे इस हाल में मुझसे पूछेगा, या अगर मेरी इस हाल में जान निकल गई, या ये मेरी ये हालत लोगों को पता चल जाए तो लोग कितना मुझे बुरा भला कहेंगे। तो लोगों का तो खौफ होता है, अल्लाह का खौफ नहीं होता।
ये अल्लाह का खौफ पैदा करना ये मकसूद है। अगला नुकता देखिएगा कि अल्लाह शानु ने अपनी कुदरत कामला को अल्म कामिल को बयान करके इरशाद फरमाया कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना, कि अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम है, अल्लाह को अच्छे अच्छे नामों से पुकारना ये दुआ की कबूलियत का जरिया होता है। ये दुआ के अंदर अल्लाह शानु के जो सिफाती नाम है उनको तस्करा करना चाहिए। ये दुआ की कबूलियत का एक सबब है कि अल्लाह की कुदरत को बयान किया जाए, अल्लाह की तारीफ को बयान किया जाए। जैसा कि सहाबी दुआ मांग रहे थे आप तस्लीम वाले को तालीम दी, पहले अल्लाह की सना बयान करो, दुरूशी पढ़ो, फिर दुआ मांगो। और इसी तरह से दूसरी रिवायत के अंदर की दुरूशी उसके इख्ताम में, दुआ के इख्ताम में, दुआ के शुरू के अंदर। अगला नुक्ता देखिए कि अल्लाह ने हज़रत मूसा, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला को जिक्र करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य को जिक्र करना शुरू किया। इसमें हमारे लिए क्या नुक्ता है? हमारे लिए नुक्ता है कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह वही है, उसकी कुदरत कामला भी वही है, उसकी बादशाहत भी वही है, उसका इल्म भी वही है, वो कभी नहीं बदलेगा। अगर आज के जमाने के अंदर उस अल्लाह ने अगर मूसा अलैहिस्सलाम की, जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, तो वही अल्लाह अपनी तमाम कुदरत कामला के साथ, अपने तमाम इल्म कामिल के साथ आज भी है और आइंदा भी तुम्हारे मुसलमानों की मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह के दीन पे चलोगे तो गम मत करो, परेशान मत हो, इस कुरान से, इस कुरान से जुड़ जाओ, दीन को थाम लो, अल्लाह इज्जत अता फरमा देगा। इस मुस्लिम उम्मत की रसवाई का सबसे बड़ा सबब जो है वो कुरान से दूरी है। वो जमाने में मौजूद हुए कुरान करीम के ऊपर जिस वक्त इस उम्मत ने अमल छोड़ा, तो उसके बाद इस उम्मत की रसवाई का सिलसिला शुरू हुआ। वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। तो इकबाल ने भी यही सबब बयान फरमाया कि इस उम्मत की पस्ती का सबब क्या था? तारे के कुरान, कुरान को छोड़ दिया। हर शैफुल हज़र रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मैंने माल्टा के जब सुबह अंग्रेज ने मन किया, तो फरमाया कि मैंने इस उम्मत की पस्ती के असबाब पर गौर किया और मैं दो ही नतीजों पर, दो ही असबाब पहुंचा कि इस उम्मत की पस्ती के दो असबाब थे, एक कुरान को छोड़ देना और दूसरा फरकाबाजी, आपस में तकसीम। उस तकसीम ने इस उम्मत को तबाह दर तबाह कर दिया। और यही दो सबब है इस उम्मत की तनज़ुली के, इस उम्मत की पस्ती के। अल्लाह ने तसल्ली दी कि देखो वो अल्लाह जो मूसा अलैहिस्सलाम को मुश्किलात के नक्शों के अंदर, परेशानियों के नक्शों के अंदर अल्लाह इज्जत दे सकता है, तो अल्लाह तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? यकीनन दे सकता है, क्योंकि अल्लाह कुदरत कामिला, सिफात कामिला कलमी है, आज भी और हमेशा है, अल्लाह की तौर से अजली है। तो अल्लाह जल्ला शानहु ने अगर मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, यकीनन अल्लाह जल्ला शानहु आज उम्मत मुस्लिमा की मदद भी करेगा। शर्त क्या है? ईमान और तक्वा। शर्त है कि अल्लाह के दीन को मजबूती से थामना, वो शर्त। अल्लाह नुक्ता देखिए कि अल्लाह जल्ला शानहु ने जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य के अंदर और इस आदत ने अर्ज किया कि इसकी मुवासलत नबी अकरम अलैहिस्सलाम से आ रही है, उन सारी मुवासलत को उम्मत के ऊपर भी देखते जाएं कि आज उम्मत के ऊपर एक मुश्किलात का दौर है, आज हमारे ऊपर एक पस्ती का दौर है। तो अल्लाह ने इस वाक्य के तसल्ली दे रहा है कि देखो अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को मुश्किलात से निकाल के इज्जत से नवाजा, तो अल्लाह इस उम्मत को भी दीन के ऊपर अगर चलेगी तो इज्जत से नवाज सकता है। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की भी मदद फरमाई, अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। बज़ाहिर वो अकेले चले थे, लेकिन फिर अल्लाह ने बाद में, फौरन नहीं हुआ, एक अरसे बाद हुआ, तो अल्लाह ने मदद कर दी। बिल्कुल इसी तरह से जो कोई दीन के ऊपर चलना शुरू होगा, शुरू मुश्किलात आएंगी, शुरू में तकालीफ भी आएंगी, लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह जल्ला शानहु की मदद आएगी और अल्लाह जल्ला शानहु मदद फरमाएंगे। और अल्लाह जल्ला शानहु आप ये देखिए कि इस उम्मत के अंदर जिस तरह से अल्लाह ने फिरौन के जादूगरों को ईमान की तौफीक दी, अल्लाह ने नबी अकरम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को जो कि दुश्मन बन के आए थे और सहाबी बन के लौटे, अल्लाह ने उनको ईमान की तौफीक दी। इस उम्मत के अंदर आज के जमाने के अंदर भी अनगिनत ऐसे वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं कि जो पक्के इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम के ऊपर तनकीद उनका अदब था,
अल्लाह ने उनको इस्लाम का सिपाही बना दिया, इस्लाम की तौफीक दे दी। मैं कई मिसालें हैं, एक तो वो शख्स के जिसने बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहले गुदाल चलाई थी, वो सिख था, अल्लाह ने उसको इस्लाम की तौफीक दे दी। वो इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा मुसलमानों का हकूक का अलमबरदार बना हुआ है। आप ये देखिए, इसी तरह से एवन रेडली जो कि खातून सहाफियां हैं, वो खबर लेने के लिए गई थी, अच्छे जज्बे से नहीं बुरे जज्बे से गई थी, लेकिन वो मुसलमान हो गई, अल्लाह ने उनको इस्लाम की दौलत दे दी। और आज इस मगरिब के अंदर, मगरिब के सामने एक इस्लाम को बयान करने वाले हकूक बयान करने के लिए अल्लाह ने उस खातून से काम ले रहा है। अलग अल्लाह शानों ने इस तरह देखें कि गेरेट वाइट जैसा बदनाम मलऊन गुस्ताख, उसका राइट हैंड पर्सन, अल्लाह ने उसको इस्लाम की तौफीक दे दी। वो तो मुताला कर रहा था इस्लाम की तरफ कीचड़ उछालने के लिए, अल्लाह ने उसको इस्लाम की तरफ तौफीक दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों का वाकया सिर्फ उनके साथ नहीं पेश आया, सहाबा का बाद सहाबा का जो दुश्मन इस्लाम बन के आए थे और सहाबी रसूल बन गए, सिर्फ वहां नहीं, आज के जमाने में पेश आ रहा है, सूरत आज के जमाने में बोल रही है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।